शुक्रवार को नागपुर लोकसभा के लिए मतदान हुआ। शहर के सभी मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें दिखाई दे रही थी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज यानी शुक्रवार को मतदान जारी है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होते ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का शंखनाद हो गया। लोकसभा चुनाव के लिए जारी वोटिंग के बीच महाराष्ट्र के नागपुर में पहले चरण का मतदान हुआ। नागपुर में राजनीतिक गर्मी के साथ ही सूर्य देव भी मेहरबान थे। सुबह से ही कड़ी धूप थी, इसके बावजूद शहर के विविध मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें लगी थी। इसमें युवा पीढ़ी से लेकर सीनियर सिटीजन भी शामिल थे। हमारी टीम ने जब मतदान करने वाले युवा पीढ़ी से बात की तो उन्होंने कहा कि शासन अपने लिए इतनी मेहनत करती है तो हमारा फर्ज है कि हम मतदान करें। जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जनरेशन है वो आज की जनरेशन है और हम पहली बार वोट दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। शायद अभी कोई रियलाइज़ नहीं कर रहा है पर आगे जाके उन्हें रियलाइज़ होगा कि गवर्नमेंट अपनी पसंद से चूज़ करना और सारे क्राइटेरियाज़ जो भी पूरे करते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए आज जाके वोट करना हमारे कल के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग करना एक प्रिविलेज है जो आप रियलाइज़ नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा चांस भी नहीं मिलता है, हमें चांस मिल रहा है खुद की सरकार चूज़ करने का, तो हमको हमेशा वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। और वोटिंग करने से आज जितना शायद नहीं महसूस हो पर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सालों से मम्मी पापा को देख रहे थे, बाकी बड़ों को देख रहे थे कि वोट कर रहे हैं, देश के अपना अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और हमें भी लगता था कि हमारे पास भी अधिकार होना चाहिए। और जब आज पहली बार हमें वोट करने का अवसर मिला तो निश्चित रूप से आज जल्दी आकर के मतदान करने में एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला और अच्छा लगा कि आज हम भी वोट कर रहे हैं और आगे भी करना चाहेंगे। और यूथ को यही संदेश देंगे कि हम जैसे और जो युवा है वो आगे आए। आज हमारे देश में वोट परसेंटेज जो कम है थोड़ा, वो और बढ़े, युवा और अच्छे तरीके से यहाँ पर आए, वो मतदान करे, अपने मताधिकार का प्रयोग करे, यही उन्हें कहेंगे। वहीं दूसरी ओर हमने कुछ सीनियर सिटीजन से भी बात की तो उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी ने आगे आकर मतदान करना चाहिए। जो लोग युवा है पहली बार मतदान कर रहे उनमें ज्यादा उसके बारे में इंटरेस्ट है और यहाँ पे देखे तो ये गडकरी जी का मकान है यहाँ पे और पूरे महल के वो बचपन से पहचान वाले हैं। उनको यहाँ पे युवा से आमदार और आमदार से खासदार होते हुए देखा इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, इसलिए यहाँ पे उनका काम भी अच्छा है नागपुर में। तो लोग अभी देखो सवेरे का समय है और धूप बाद में होने वाली है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि सभी बूथ के ऊपर बड़ी मात्रा में लोग कतार में लगे हुए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर शासन की ओर से मतदाताओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। शासन की ओर से सीनियर सिटीजन के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी, साथ ही सभी के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई थी। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।